तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा नौवीं संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा, कितने क्वेश्चंस दोस्तों परीक्षाओं में से यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा पेपर कक्षा नौवीं संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपसे परीक्षाओं में से पूछे जाएंगे। देखिएगा दोस्तों, आज हम पूरा का पूरा आपका संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि आपका दोस्तों संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा होगा और इसकी तैयारी दोस्तों आपको कैसे कर लेनी चाहिए। तो देखिएगा पूरी तरह से दोस्तों, आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, ये पूरा आज हमारे द्वारा आपका जो संस्कृत विषय का पेपर होगा उसको हल सहित यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग इसको पूरा अंतिम समय तक जरूर देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, ये पहला क्वेश्चन लिखा है इसमें अधोलिखितेषु प्रश्नेषु उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी कि इन प्रश्नों को आपको उचित विकल्पम चुनकर लिखने हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको नोट कर सकते हो। पहला लिखा है महेश्वर सूत्राणी संख्या अस्थि, महेश्वर सूत्र में संख्या कितनी है, तो इसमें आ जाएगा आपका चतुर्दशा। उसके अलावा अगला लिखा है आवर्ण से उच्चारणम स्थानम वर्तते, आवर्ण कहाँ से निकलता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कंठा। और उसी के नीचे अगला लिखा है स्वर्ण काका अस्थि, स्वर्ण काका का क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें स्वर वर्ण अस्थि, स्वर्ण वर्ण क्या है दोस्तों, तो इसमें आपका आ जाएगा आ। अगला लिखा है विद्याधन आले एतस्य संधि युक्तम पदम भवंती, विद्या और धन आले दोनों मिलके क्या होते हैं, तो ये होता है दोस्तों विद्यालय। अगला लिखा है दीर्घ संधि उदाहरणम अस्ति, तो दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा आपका हिमालय। अगला लिखा है सूर्योदय इत्यस्मिन पदे संधि अस्ति, सूर्योदय में कौन सी संधि है दोस्तों, गुण संधि है। और उसी के नीचे दोस्तों यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उचित विकल्पम चित्वा लिखत, ये आपसे दोस्तों 6 अंक में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा पहला लिखा है नी प्लस औसत इत्यस्य संधि रूपम भवति, देखिएगा दोस्तों नी प्लस औसत दोनों रूप संधि रूप क्या हो जाता, तो ये हो जाता आपका न्यवसत आपका हो जाएगा। अगला लिखा है वृद्धि संधि अस्ति, वृद्धि संधि कौन सी है दोस्तों, चेका किनी हो जाएगी। अगला लिखा है यण संधि अस्ति, यण संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, इत्यादि हो जाएगी। अगला लिखा है आदो लिखतेसु अव्यम अस्ति, तो देखिएगा इसमें चा हो जाएगा। अगला लिखा है रामा एवं विद्यालय गच्छति अस्मिन एक वाक्य अव्यम अवदम पदा, देखिएगा इसमें आपका एव हो जाएगा। अगला लिखा है विद्या माता एव रक्षति अस्मिन वाक्य अव्य अस्ति, इन वाक्यों में अव्य क्या है दोस्तों, इसमें आपका आ जाएगा एव। और उसी के नीचे दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, ये लिखा है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, तो देखिएगा उचित विकल्पम चित्वा लिखत में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। पहला पूछा गया दृष्ट्वा इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, दृष्ट्वा में कौन सा प्रत्यय, तो देखिएगा दोस्तों इसमें आपका कत्वा हो जाएगा। अगला लिखा है लप प्रत्यय सुधारणम अस्ति, लप प्रत्यय कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा विलोक्य। अगला लिखा लघु प्लस तमम इत्यस्य संधि रूपम भवति, तो इसमें आ जाएगा लघुमान। और उसी के पीछे दोस्तों अगर आगे देखा जाए, तो देखिएगा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें कुछ चीज़ें ये इस प्रकार से पूछी जाएगी, आप लोग यहाँ से इसको देख लें। तो यहाँ से आप लोग देख लें पट प्लस कत्वा इत्यस्य संयुक्त रूपम भवति, तो देखिएगा इसमें आ जाएगा आपका पटित्वा। अगला लिखा है आदा प्लस ल्यप इत्यस्य संयुक्त रूपम भवति, तो देखिएगा दोस्तों ये आ जाएगा आपका आदाय। अगला लिखा कत प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, इसमें आ जाएगा आपका गता। इसके अलावा अगला लिखा है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, ये आपसे 7 अंक के पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे समास कतिता कति, देखिएगा इसमें आपका पंचम आ जाएगा। इसके अलावा अगला लिखा है अब यही भाव समास से उदाहरणम अस्ति, तो इसमें आपका आ जाएगा यथाशक्ति। उपप्रश्नम इत्यस्य पदे समास अस्ति, इसमें आपका आ जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला लिखा है त्रिभुवम इत्यस्य पदे समास अस्ति, त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो उसमें आपका आ जाएगा द्विगु समास। अगला लिखा पंचवटी इत्यस्मिन पदे समास अस्ति, पंचवटी में समास हो जाएगा द्विगु। अगला लिखा दशानन इति समासिक पदस्य विग्रह अस्ति, तो देखिएगा दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा दस अनाति। और उसके अलावा अगला लिखा है पीताम्बरा इत्यस्मिन पदे समास अस्ति, पीताम्बरा में दोस्तों आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों फिर आपसे उचित विकल्प पूछे गए हैं, तो आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। पहला लिखा है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, तो पहला आप देख सकते हो बालका इत्यस्य शब्दे लिंगम अस्ति, तो देखिएगा इसमें आपका आ जाएगा पुल्लिंगम। अगला लिखा है बालकाय इत्यस्य विभक्ति अस्ति, देखिएगा दोस्तों इसमें विभक्ति कौन सी आ जाएगी, चतुर्थी। फलम इति शब्द कस्मिन लिंगे अस्ति, फलम शब्द किस लिंग में है, तो इसमें आ जाएगा आपका पुल्लिंग। इसके अलावा अगला रामाम इत्यस्मिन शब्दे वचनम अस्ति, रामाम में कौन सा शब्द और वचन है, तो इसमें आपका आ जाएगा एक वचन। अगला लिखा पठति इति धातु रूप कस्मिन लकारे वर्तते, पठवी किस धातु रूप में लकार में है, तो देखिएगा दोस्तों आपका यह आ जाएगा लट लकार। अगला लिखा है
तो यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे जो लिखा है गमिष्यति इत्यस्य धातु धातु रूपम कस्मिन् लकारे वर्तति, ये आ जाएगा लट लकारे। अगला लिखा है लंग लकारस्य धातु रूपम वर्तते, तो देखिएगा दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा अगवत। और उसी के आगे दोस्तों यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। अधोलिखितेषु प्रश्नेषु पंच प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्यम लिखत, तो देखिएगा आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। कवि का संबोधियत और कवि का वादितुम वाणी प्रातियतु, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे पूरे के पूरे। और उसी के नीचे दोस्तों आप लोग यहाँ से जोड़ी का मिलान देख सकते हो, जोड़ी का मिलान दोस्तों आपको ऐसे कर लेना है। और उसी के नीचे दोस्तों आप लोग यहाँ से आमना देख लें, आमना का दोस्तों पूरा का पूरा मिलान आपको इस प्रकार से कर लेना है। और उसी के नीचे दोस्तों अगर आगे देखा जाए तो आप लोग यहाँ से इसको देख लें, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला राइट है, आप लोग रेड मार्क से जो राइट किए गए हैं वही सही है, आप लोग इसको जरूर देखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों आगे आपसे कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको ऐसा ये दिया जाएगा गद्यांश और उसमें से तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ऐसा एक और दिया जाएगा आपको गद्यांश यहाँ पर जो दे रखा है और उसमें से तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 में यहाँ पर दोस्तों एक पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को भी स्वयं दोस्तों आपको पिछले पद्यांश की तरह गद्यांश की तरह पढ़कर इनके उत्तर देने हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं ये उत्तर क्वेश्चन है, ये इनके उत्तर लिखने हैं। और अगला क्वेश्चन ये पद्यांश ये है आपका श्लोक, आप समझ लें इसको, और यहाँ पर इसके दोस्तों क्वेश्चन लिखे हैं, इनके उत्तर लिखने हैं। आगे आप लोग यहाँ से इन चीज़ों को नोट कर लेंगे। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ये दे रखे हैं, आप लोग यहाँ पे भी इनको नोट कर लें। ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका परीक्षाओं में ऐसा कैसे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि दोस्तों हमारे द्वारा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तो आप सब लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है, आप इसी आधार पर पूरी तैयारी कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं, नमस्कार।